Chapter 3rd of class 8, that is synthetic fibers and plastics. Now starting with the plastic. Plastic jo hai, it comes from a Greek word called as plastikos. Plastic naam kahan se originate hua? A Greek word se originate hua jisko hum kya bolte hai? Plastikos. Iska matlab hai to form. What does plastikos means? To form. Right, तो टू फॉर्म करके इसका नाम क्या रखा हुआ है प्लास्टिक. दिस इज वॉट वी एक्चुअली मीन बाय सेइंग प्लास्टिक. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल कि इससे आप क्या क्या लाइक वी सेड दैट इट मीन्स टू फॉर्म. सो वॉट फॉर्म्स इट कैन एक्चुअली फॉर्म वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक. प्लास्टिक्स बनते किससे हैं? इट इज मेड अप ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. एज यू कैन सी दैट देयर इज अ इन द फिगर यू कैन सी पॉलिथिन बैग. ये जो पॉलिथिन बैग है इज अगेन मेड अप ऑफ प्लास्टिक. और आपको पता है पॉलिथिन बैग तो आप कॉमनली यूज करते हो चीजों को कैरी करने के लिए. देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑल्सो फॉर प्लास्टिक. प्लास्टिक को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एक ऐसा मटेरियल जिसको आप गर्म करके अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हो. मतलब आपने इसको पहले गर्म किया, गर्म करने के बाद आपने इसको डिफरेंट शेप्स में डाला, जो भी शेप आपको देनी है आप इसको मोल्ड कर सकते हो और कूल होने के बाद इसकी वो मोल्डेड शेप ही होगी. फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे प्लास्टिक का पढ़ा, पॉलिथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. अलग अलग शेप्स आप प्लास्टिक्स की बना सकते हो. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज. प्लास्टिक लाइट वेट होता है, इस पे कोई जंग नहीं लगता है, डज नॉट रस्ट, इजी टू हैंडल. ये सब प्रॉपर्टीज आपने पॉलिथीन बैग के साथ देखी हुई है. राइट, पॉलिथीन बैग इज लाइट वेट, डज नॉट रस्ट ऑल्सो, एंड इट इज इजी टू हैंडल ऑल्सो. रीयूजेबल है, आप बार बार पॉलिथीन को यूज कर सकते हैं अंटिल अनलेस ये फटे नहीं. राइट, नॉन रिएक्टिव है, चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करता है. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना तो करंट कंडक्ट करता है ना कोई हीट का कंडक्टर है. So these all properties are shown by polythene bag also, because polythene is again made up of plastic. Example, जो आप plastic से चीजें बना सकते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे toys है market में जो plastic से बने हुए मिलते हैं. As you can see in the figure also, these all toys are made up of plastic. We have plastic chairs also, chairs भी plastic की बनती है. So this kind of materials actually you can actually form by the use of plastics. Plastics का तो काफी wide use है, बहुत चीजें हैं जो आप देखोगे plastic से ही बनी होती है. Now moving on to types of plastics. अब plastics की properties आप जान चुके हो, plastic कैसे दिखते हैं, क्या क्या चीजें बना सकते हैं, idea है आपको. So now we are going to focus on the types of plastics. तो दो तरह के plastics हैं हमारे पास. One is thermoplastic, अनदर इज थर्मो सेटिंग प्लास्टिक. थर्मो प्लास्टिक और इसमें क्या फर्क है? दिस इज थर्मो, एक सेटिंग आ गया, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक. तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर. थर्मो प्लास्टिक्स आर दोज विच डू नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन देयर कंपोजिशन वेन हीटेड. आप जब इसको गर्म करते हो, इन प्लास्टिक्स को, इनके कोई जिस चीज से भी ये बने होते हैं ये उसी चीज में रहते हैं. मतलब उनका कोई केमिकल चेंज नहीं आता, कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आता. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसकी शेप को बार बार बदल सकते हो. दे कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन. बहुत इंपॉर्टेंट यूज है ये, दैट थर्मोप्लास्टिक्स आर दोस जिनको हीट करने पे कुछ केमिकल चेंज नहीं आता उनकी कंपोजिशन में, एंड यू कैन हीट एंड मोल्ड देम अगेन एंड अगेन. और आप इनको डिफरेंट तरह की शेप्स दे सकते हो. एज यू कैन सी इन द फिगर, दीज यू कैन से दीज आर इंडिकेटिंग दी थर्मोप्लास्टिक्स. राइट, सो दिस इज वॉट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. क्योंकि ये जो आप छोटे छोटे पीसेस से देख रहे हो, दे कैन वेन दे आर हीटेड दे डू नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ केमिकल चेंज, एंड मोर ओवर दे कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन ऑल्सो. एग्जाम्पल वी हैव पॉलीप्रोपाइलीन, इसको भी आप हीट करो कोई चेंज नहीं आएगा, मोल्ड कर सकते हो बार बार. पॉलीस्टीरीन, वी हैव पीवीसी विच इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसकी पाइप्स बनती है पीवीसी पाइप्स. वी हैव पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, ऑल्सो कॉल्ड एज पीटीएफई, दैट इज पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन. तो
तो इन सब चीजों से आप अलग अलग चीजें बना सकते हो. लाइक यू कैन मेक द फाइल कवर्स. सो इसके अंदर यही प्लास्टिक का यूज हुआ हुआ है थर्मोसेटिंग. यू कैन हैव अ डिस्पोजेबल थिंग्स जिनको आप नॉर्मली यूज करते हो कुछ पीने के लिए, कुछ पैकिंग के लिए. सो दिस ऑल आर मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. दैट मीन्स व्हेन हीटेड नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एंड मोर ओवर दैट दे कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन. अनदर कैटेगरी वी हैव इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स है, सेटिंग का मतलब है कि एक बार जो आपने इसको शेप दे दी, इसको आप दोबारा पिघला कर सॉफ्ट कर इसको कोई और शेप आप नहीं दे सकते. थर्मोप्लास्टिक्स में तो आप उसको हीट करो, कुछ केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा, शेप बदल सकते हो आप बार बार. बट थर्मोसेटिंग मीन्स वन सेट इट्स शेप वोंट बी चेंज्ड. एग्जाम्पल वी हैव इज बैकेलाइट. बैकेलाइट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक विच यू कैन नॉट मोल्ड और रीशेप्ड अगेन एंड अगेन. एज यू कैन सी इन द फिगर these all materials are made up of thermosetting plastics. That means once shaped, they cannot be reshaped again. इसको कहाँ कहाँ यूज करते हो आप? It is used in making bottles. ऐसे bottles बना सकते हो. प्लास्टिक के toys मिलते हैं आपको thermosetting plastics से. मतलब इसको shape आप नहीं बदल पाओगे इन toys के. And moreover, it is used for packaging many goods like containers etc. तो ये सब चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनती है. मतलब वंस द शेप इज असाइंड यू कैन नॉट रीशेप इट अगेन. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. आपने घर के अंदर नॉनस्टिक पैन्स तो देखे होंगे, राइट? यू नो दैट इट इज अगेन मेड अप ऑफ प्लास्टिक. सो इफ आई आस्क यू दैट नेम अ प्लास्टिक दैट इज यूज इन मेकिंग नॉनस्टिक पैन्स. ये पैन्स बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज होता है वो कौन सा है? यू नो दैट इट इज एक्चुअली टेफ्लॉन. It is actually Teflon, जिसका formula होता है CF2 means इससे बनता है. This is actually a monomer. ऐसे units लगकर ये monomer लगकर एक Teflon बनाते हैं. And Teflon is used in making the non-stick pans. क्योंकि इस Teflon के साथ कोई oil या water कुछ stick नहीं होता, इसीलिए they are called as non-stick pans. नॉन स्टिक पैन्स कुकिंग के लिए काफी अच्छे रहते हैं क्योंकि इस पे ना ऑयल ना वाटर कुछ स्टिक नहीं होता. तो आप इजिली कोई भी चीज इस पे, आप हाफ फ्राई ऑमलेट बनाना चाहें, आप कुछ टोस्ट बनाना चाहें, इजिली आप बना सकते हैं. दे डोंट स्टिक टू द सर्फेस.